ये त्रासदी हुई है जो टाटीझरिया और हजारीबाग के बीच में जो पुल है उससे बस गिरी और 7 लोगों की मृत्यु हुई है जिसमें से 6 हमारी सिख बहनें। बहुत दुख हो रहा था क्योंकि ये पूरी जो पार्टी थी वो एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए गिरिडीह से रांची जा रही थी और इस पुल में फिर ये दुर्घटना हो गई। हम लोगों की प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द सब लोगों को जितना हम लोग इलाज के लिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करें। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है, कई लोगों को क्षितिज भेजा गया है, कई लोगों का आरोग्यम अस्पताल भेजा गया है और करीब 7-8 लोगों को रांची भी रेफर कर दिया गया है जिसमें कि उनकी देखभाल वहाँ रिम्स वगैरह में हो। जानकारी यही है कि गिरिडीह से सिख समाज का जत्था जो है रांची के लिए रवाना हुआ था, बस टाटीझरिया में जो है पुल से नीचे गिर गई है और अभी तक हम लोग को जानकारी के हिसाब से 7 लोगों को बाकी लोग 3 अस्पताल में सदर अस्पताल में आरोग्यम में और क्षितिज से एक बच्चा थोड़ा गंभीर है वहीं से अभी हम लौट रहे हैं, उसको अभी तुरंत रेफर किया गया रांची मेडिका के लिए। बाकी पेशेंट को जो है फर्स्ट एड प्राइमरी मिल रहा है, बाकी उम्मीद है कि सब लोग तरह से लापरवाही हुई उसके बारे में अभी तो नहीं पता है लेकिन काफ़ी दुखद घटना है। हम लोग परिवार के उस दुख में बड़े हैं और जो भी हम लोगों से बन पड़ता है वो सारा चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। क्या कारण रहा है ये सब के पीछे उन चीज़ों को ज़रूर नोटिस किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो हुआ ये बहुत दर्दनाक घटना है और इस घटना के लिए हम सीधे तौर पे एनएच के अधिकारियों को दोषी मानते हैं क्योंकि आप एनएच के जिस साइड में चले जाइए 4 लेन को छोड़ करके हर जगह गड्ढा आपको मिलेगा और इस पर आज तक कोई ध्यान नहीं देता है। हम तो जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस दर्दनाक घटना के लिए एनएच के अधिकारियों पर मुकदमा किया जाए ताकि आने वाला समय में ऐसा दर्दनाक घटना हजारीबाग और आसपास ना हो, क्योंकि हर जगह गड्ढा है, गड्ढा भरने का ये लोग काम नहीं करते, खाली अपने ये रूम में रहते हैं और खाली जो ठीका होता है उसी को देखते हैं। लग रहा है मैं तो बाहर ही थी और अभी जैसे पता चला मुझे न्यूज़ में तो मैं भागे भागे आई। ये बहुत दुखद बात है, हम लोग इसके बारे में क्या बयां करें, बहुत दुख है। देख सकते हैं आप पूरा आधा हजारीबाग यहाँ पर मौजूद है, दुख में शामिल है। ये तो बहुत बड़ी और दुखद घटना है। जैसा कि हम लोगों को 5 बजे खबर मिली है कि गिरिडीह से एक बस जो रांची जा रही थी सिख समाज की कोई कार्यक्रम में उस सिवाने नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें कुछ मौत भी हुई है और काफ़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। अभी हमारे पूरे समाज के लोग और पूरे हजारीबाग के लोग इस दुखद घटना में सबके साथ हैं, परिजनों के साथ हैं और बहुत दुखद घटना है।